छात्रों, आज हम कक्षा दसवीं में विज्ञान विषय में अध्याय आठ, जिसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं भाग एक, इसके बारे में पढ़ेंगे। आप अपने चारों ओर विभिन्न प्रकार के जीवों को देखते हैं और उनकी संख्या भी देखते हैं। कभी आपको ऐसा नहीं लगता होगा कि आपको अपने मोहल्ले पड़ोस में या बहुत दूर तक एक ही आम का पेड़ दिखे, ऐसा नहीं है। एक ही मनुष्य दिखे, ऐसा नहीं है। आपको समुदाय में दिखाई देते हैं, तो अपने ही समान जीवों को उत्पन्न करने की क्षमता को हम क्या बोलते हैं? जनन कहते हैं। ये हमारा जो जनन होता है, ये आपने कक्षा नौवीं में पढ़ा है, कोशिका। क्या पढ़ा है? कोशिका। आपने देखा था, ये कोशिका होती है। कोशिका के अंदर एक क्या होता है? ये कोशिका की बाहरी परत है, ये कोशिका ये बाहरी आवरण है, और इसके अंदर ये पाया जाता है केंद्रक। और केंद्रक के अंदर कुछ धागे नुमा रचना पाई जाती है, इनको हम बोलते हैं गुण सूत्र, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रोमोसोम। यही ये सभी जीवों में है, चाहे पेड़ पौधे हों, चाहे जंतु हों, चाहे मनुष्य हों, सभी में कोशिका पाई जाती है और ये गुण सूत्र पाए जाते हैं। ये जो गुण सूत्र हैं, ये इन पर ही अनुवांशिक पदार्थ पाए जाते हैं। अनुवांशिक पदार्थ जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, ये पदार्थ। तो इन ये जो गुण सूत्र हैं, ये वास्तव में बने रहते हैं डीएनए से। डीएनए एक विशेष प्रकार का अम्ल पाया जाता है, इनका स्वयं का एक प्रोटीन होता है। तो यहाँ हम आपको डीएनए का पूरा नाम बताते हैं, डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियक अम्ल। ये जो इसमें जो डीएनए है, ये क्या करता है? अपने अपने को द्विगुणित करता है, बिल्कुल अपने ही समान डुप्लीकेट, एक प्रतिकृति बनाता है। जैसे आप फोटोकॉपी करवाते हो ना, फोटोकॉपी में क्या आता है कि बिल्कुल वैसे ही आता है जैसे मूल कॉपी में है। तो ये डीएनए अपने ही समान प्रतिकृति बनाता है, और इस प्रकार ये डबल हो जाते हैं और कोशिका ये भी दो भागों में बढ़ जाती है। तो इस प्रकार ये दो युग्मक बन जाते हैं, जो कि विभिन्न क्रियाओं में भाग लेते हैं, जनन क्रियाओं में भाग लेते हैं। अच्छा, कभी कभी विभिन्नताएं भी होती हैं। क्या होती हैं? विभिन्नताएं भी होती हैं। तो विभिन्नताओं में क्या होता है कि हम देखते हैं कि जैसे एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया यदि ठंडे पानी में रहते हैं, शीतोष्ण भाग में रहते हैं, और कभी कभी मान लो अचानक से ग्लोबल वार्मिंग आ जाए या वहाँ पर गर्मी आ जाए, तो कुछ बैक्टीरिया उस गर्म कुछ बैक्टीरिया मर जाएंगे और कुछ बैक्टीरिया गर्म पानी में भी क्या रहेंगे? जीवित। तो उनमें एक प्रकार की क्या आ जाती हैं? विभिन्नताएं आ जाती हैं। यहां देखेंगे तो उनको उसमें विभिन्नताएं, तो विभिन्नताओं का होना भी जरूरी है। आप देखते हैं विपरीत परिस्थितियों में कुछ जीव मर जाते हैं और कुछ, तो जीवों में विभिन्नताएं
का भी होना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो समुदाय, वो समष्टि जीवित रह सके। तो ये सब उनमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो जाती है। जैसे आप देखते हैं कि हम मच्छर मार दवाई है, हिट से कुछ मच्छरों को मारते हैं, तो सभी मच्छर नहीं मरते हैं, कुछ उसमें से जीवित रहते हैं, कुछ मर जाते हैं, सभी पर उनका प्रभाव समान नहीं पड़ता। तो उनमें उस जो हमने छिड़काव किया है, उस वो रसायन के प्रति उनमें क्षमता विकसित हो जाती है कि वो जीवित रह सकते हैं। तो ये विभिन्नताओं का होना भी बहुत जरूरी है। अब हम पढ़ेंगे एकल जीवों में। एकल मतलब एक कोशिकीय जीव, जिनका पूरा शरीर केवल एक कोशिका से बना हुआ है, वो भी अपनी जनसंख्या बढ़ाते हैं, अपना समुदाय बढ़ाते हैं। तो एकल जीवों में अपने ही समान जीव उत्पन्न करते हैं, तो उसकी एक विधि है विखंडन। इस विखंडन को हम दो भागों में बांट सकते हैं, द्विखंडन, द्विखंडन और बहुखंडन। द्विखंडन में एक जीव दो भागों में बटेगा, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है द्विखंडन का अमीबा। हम यहां पढ़ेंगे अमीबा में द्विखंडन। नाम ही से समझ में आ रहा है एक कोशिका कितने भागों में बट गई है, दो भागों में। देखिए आप, मान लो ये अमीबा है जिसका कोई आकार निश्चित नहीं होता है, ये इसका केंद्रक है। और इस प्रकार हम देखते हैं कि अमीबा कैसे दो भागों में बट जाता है। ये अलैंगिक प्रजनन की विधियां हैं। कौन से प्रजनन की? अलैंगिक। इसमें एक ही जीव से अपने ही समान दूसरे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, ये अधिकतर एक कोशिकीय जीवों में होता है। देखिए क्या होता है, इसमें जो केंद्रक होता है, ये इसमें जो गुणसूत्र होते हैं, ये दो भागों में बट जाते हैं। जब ये दो भागों में बट जाता है केंद्रक, तो इस प्रकार कोशिका भी इस प्रकार केंद्रक धीरे धीरे आप देखेंगे दो भागों में बढ़ता है, और एक कोशिका में भी एक इस प्रकार की एक खांच बन जाती है। ये और अंत में इस प्रकार ये थोड़ा और गहरा होता जाएगा, इस प्रकार दो अमीबा प्राप्त हो जाते हैं, और दोनों में एक ये और एक ये। तो ये जो दोनों हैं, ये कहलाते हैं संतति अमीबा। ये दोनों कहलाते हैं संतति। और ये कहलाता है जनक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार केंद्रक में गुणसूत्रों की संख्या का द्विगुणन होता है, और इस प्रकार ये संतति अमीबा दो बन जाते हैं। तो यहाँ पर दो अमीबा बने, तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे? द्विखंडन। अगला हम पढ़ेंगे बहुखंडन। ये दूसरे उसमें भी होता है, दूसरे उदाहरण भी हैं इसके बहुत सारे। अब हम पढ़ेंगे बहुखंडन के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा नाम से लग रहा है कि बहुत सारे, एक साथ बहुत सारे जीव उत्पन्न होंगे। बहुखंडन मतलब एक, जैसे इसका एक उदाहरण है आपने देखा होगा ना, मलेरिया परजीवी, इसके कारण
मलेरिया रोग होता है ना, मलेरिया परजीवी। मलेरिया परजीवी का नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में क्या होता है कि एक कोशिका के अंदर जो केंद्रक था, ये केंद्रक कई भागों में बट जाता है। आप देखिए इस प्रकार, और इसके चारों ओर एक बहुत मोटी परत बन जाती है। ये देखिए केंद्रक का क्या हो गया है, बहुखंडन। जब उचित परिस्थितियां रहती हैं तो ये इस प्रकार ये फट जाते हैं। ये जो अंदर का ये है, जो बहुखंडन है, ये फट जाते हैं और ये बाहर निकल जाते हैं। और जितने बाहर निकलते हैं उनसे संतति कोशिकाएं बन जाती हैं। ये सारे बाहर निकलेंगे तो इस क्रिया को हम बोलते हैं बहुखंडन। ये मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम में होता है। ये सब हैं अलैंगिक जनन की विधियां। इसके बाद हम पढ़ेंगे पुनरुद्भवन। पुनरुद्भवन, अब ये पुनरुद्भवन क्या है? इसमें भी नए जीव का निर्माण होता है जो बहुकोशिकीय जीव हैं। बहुकोशिकीय जो सरल रचना वाले, बहुकोशिकी सरल रचना वाले जीव हैं। तो इसमें क्या होता है कि शरीर का कोई हिस्सा टूट जाता है, अलग हो जाता है, तो उसके ऊतक धीरे धीरे विकसित होकर एक कोई भी खंड एक नए जीव का क्या कर लेते हैं, निर्माण करते हैं। पर ये मतलब उच्च जिनकी रचना जटिल है उनमें नहीं होगा। जैसे आप सोचो कि आपकी एक उंगली कट गई है और फिर से वापस वो उंगली बन जाए पूरी, तो वो ऐसा, हाँ थोड़ा सा हिस्सा कट जाता है तो ऊतक विकसित होकर उसको पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन पूरा ही हाथ कट गया है और आप सोचें कि वो नया हाथ बन जाए तो ये मुश्किल है। सरल रचना वाले, जैसे आपने कभी देखा है छिपकली में, छिपकली की पूंछ वाला हिस्सा बिल्कुल कभी कभी कट जाता है, तो वो पुनरुद्भवन की क्रिया के द्वारा वैसे ही जुड़ जाता है। तो इस प्रकार ये है एक प्लेन एरिया। प्लेन एरिया में आप देखिए चित्र के द्वारा ये शरीर का एक हिस्सा, तीन, तो तीन प्लेन एरिया बन गए, 1 2 3। एक प्लेन एरिया से कितने प्लेन एरिया बन गए, तीन। तो इस प्रकार सरल कोशिकीय जीवों में ये पुनरुद्भवन की क्रिया होती है, इसको पुनर्जनन भी कह सकते हैं। कभी कभी एक इसका उदाहरण है हाइड्रा। हाइड्रा में भी ये पुनरुद्भवन की अलैंगिक जनन है, ये भी एक प्रकार का पुनरुद्भवन की क्रिया होती है। तो इसमें क्या होता है, शरीर की कोशिकाएं क्या होती हैं, जो टूट फूट गई हैं, जो उनकी पुनः मरम्मत हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे एक मुकुलन विधि है, ये भी पुनरुद्भवन या पुनर्जनन के अंतर्गत आती है। तो इसका एक सबसे अच्छा उदाहरण है, वैसे तो यीस्ट भी है, हाइड्रा। आप देखेंगे किस प्रकार हाइड्रा में मुकुलन क्रिया होती है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उसके शरीर में एक उभार बनता है, मुकुल बनता है, जो थोड़ा सा वृद्धि कर लेता है, परिपक्व हो जाता है और अपने जनक पौधे से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है। आप देखिए ये एक हाइड्रा है, ये इसमें ऐसे पांच
टेंटिकल्स या स्पर्शिकाएं पाई जाती हैं। तो ये है हाइड्रा और ये आधार से, ये एक आधार से लगे हुए रहते हैं, उसमें टेंटिकल्स या संस्पर्शक पाए जाते हैं। धीरे धीरे इसके शरीर पर एक ऐसा उभार सा बनता है। क्या बनता है? उभार। धीरे धीरे देखेंगे ये उभार धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। ये उभार देखिए, ये उभार हुआ, धीरे धीरे ये उभार क्या हो गया? बड़ा हो गया। आप यहाँ देखेंगे ये उभार धीरे धीरे अपने जनक से क्या हो गया? अलग हो गया और एक नया हाइड्रा बन गया। ये हाइड्रा एक सीलेंटटा जगत का एक जीव है। तो यहाँ पर ये मुकुल बना, मुकुल धीरे धीरे वृद्धि करता गया और धीरे से इस अपने जनक जीव से क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये विधि कहलाती है मुकुलन। ये भी अलैंगिक जनन की एक विधि है। अब हम पढ़ेंगे पौधों में अलैंगिक जनन। पौधों में अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन, इसमें एक जीव के द्वारा ही नए जीव की उत्पत्ति हो जाती है। आपने देखा होगा कि माली लोग या मनुष्य लोग पेड़ पौधों के विभिन्न भागों को कलम बोलते हैं, या फिर दाब लगाना, इस प्रकार पौधे के किसी हिस्से को काटकर उसको रोप देते हैं मिट्टी में और नया पौधा विकसित करते हैं। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं? कायिक, मतलब शरीर, काय का शरीर के कोई भी भाग को लेकर जिसमें कली जरूर हो तो उसको लेते हैं और उसको मिट्टी में अलग से रोप देते हैं, या दो से अधिक विभिन्न जातियों के पौधे भी, जैसे आम की विभिन्न जातियां, उनको भी आपस में मिलाकर नई जाति उत्पन्न करते हैं। तो पौधों के विभिन्न भागों से नवीन पौधे उत्पन्न करते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं? कायिक प्रवर्धन। कायिक प्रवर्धन से क्या होता है कि मान लो किसी पौधे में बीज कम लग रहे हैं तो उसमें इसमें क्या होगा? पुष्प और फल कम समय में लगेंगे। और दूसरा गुण ये होगा कि सभी पौधे अनुवांशिक रूप से अपने क्या होंगे? जनक के समान उत्पन्न होंगे। तो जैसे आपने देखा है चमेली में, आप गुलाब में भी कलम काटते हैं, ये देखते हैं ना, कलम लगाते हैं, दाब लगाना, लेयरिंग बोलते हैं इसको। इस प्रकार ये विधियां हैं जो कि उद्यान में, बगीचे में माली लोग उत्पन्न कर सकते हैं। आपने कभी देखा होगा ब्रायोफिलम का एक पौधा होता है, तो उसकी जो पत्तियां होती हैं उसमें ऐसे गड्ढे टाइप के पाए जाते हैं। ये एक ब्रायोफिलम की पत्ती है। पत्ती से ही दूसरा पौधा बन जाता है। इसकी पत्तियां जो हैं, यहाँ पर जो गड्ढे हैं, यहाँ पर धीरे धीरे कलिकाएं बनने लगती हैं और इस प्रकार, ये आप देख रहे हो ना, ये जो गड्ढे हैं इस प्रकार, और धीरे धीरे ये बड़ी हो जाती हैं और ये मिट्टी में गिर जाती हैं। मिट्टी में गिरना, और वहीं से
नया ब्रायोफिलम का पौधा बन जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अलैंगिक प्रजनन है। उसके बाद हम देखेंगे ऊतक संवर्धन। आपने कहीं देखा है, आप कभी कहीं घूमने गए हैं बगीचे में या किसी के घरों में, आप देखते हो बड़े बड़े बरगद के पेड़ छोटे से पॉट में लगे हुए रहते हैं, जबकि बरगद के पेड़ को कितनी जगह चाहिए। तो बड़े पौधों को बिल्कुल वैसा ही छोटा रूप बना देते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ऊतक संवर्धन। इसमें क्या होता है कि पौधे के जैसे कोई वर्धी भाग है, पौधे का कोई वर्धी भाग है जहाँ से ये कोशिकाएं वृद्धि करती हैं। ये तो वहां से हम कोशिकाओं या ऊतकों के समूह को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं और इनको कृत्रिम पोषक माध्यम, कृत्रिम पोषक माध्यम घोल में रख देते हैं। तो ये जो कोशिकाएं हैं ये वृद्धि कर लेती हैं और एक छोटा सा समूह बनाती हैं, और जिससे उस छोटे समूह को हम क्या बोलते हैं, कैलस। क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। फिर हम कैलस को एक दूसरे हार्मोन्स वाले घोल में हम क्या करते हैं, रख देते हैं, और वो छोटा सा पौधा बन जाता है बड़ा। फिर उसको हम क्या करते हैं, उसको हार्मोन्स के घोल में रखते हैं और उसको फिर बाद में उसको मिट्टी में रोप देते हैं। इस प्रकार एक नया छोटे आकार का एक विकसित पौधा बन जाता है। तो ऊतक संवर्धन का उपयोग हम क्या करते हैं, सजावटी पौधों के रूप में करते हैं। घर में लोग सजाते हैं बड़े बड़े उसको, तो ये कहलाता है ऊतक संवर्धन। अधिकतर इसमें पूछते हैं कैलस क्या है। अलैंगिक जनन की पौधों में एक विधि और है जो कि फफूंद वगैरह में पाई जाती है। इसमें जैसे इसका एक उदाहरण लीजिए आप, राइजोपस। राइजोपस एक प्रकार का ये फफूंद है। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक जाल नुमा तंतु, एक जाल बनाते हैं और उस वहां पर बीजाणु धानिया पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, बीजाणु धानिया। ये और इस बीजाणु धानी के अंदर बीजाणु पाए जाते हैं। ये बीजाणु अनुकूल परिस्थितियों में क्या होता है कि ये जो बीजाणु धानियां हैं ये फट जाती हैं और ये जो बीजाणु हैं ये फैल जाते हैं, और इस प्रकार दूसरे बीजाणु, इन बीजाणुओं से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है। तो इस विधि को बोलते हैं बीजाणु समासंग विधि। इसका एक अच्छा उदाहरण है राइजोपस। इसके बाद हम इसका पार्ट 2 बाद में पढ़ेंगे। धन्यवाद।